इस बंदे को फर्स्ट मूवी के अंदर जहर दे दिया गया था, और लास्ट के इस सीन के अंदर दिखाया जाता है फर्स्ट मूवी में कि भैया ये बंदा आसमान से गिर रहा होता है, तब हमें ये उम्मीद हो जाती है कि यार ये तो गया, अब तो ये गया, आएगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म खलास, ये अब आएगा ही नहीं, मर गया ये, लेकिन नहीं, ये वापस आता है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्रैंक 2 या फिर कहेंगे क्रैंक हाई वोल्टेज मूवी के बारे में, जो 2009 के अंदर आई थी। इसकी फर्स्ट मूवी 2006 में आई थी। अब सेकंड मूवी के अंदर जैसी स्टोरी दिखाई गई है एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर फर्स्ट मूवी खत्म होती है। कहां से भाई साहब, जैसे आसमान से गिर रहे होता है वो बंदा शैव, शैव इसका नाम होता है। थोड़ा बहुत आपको स्पॉइलर मिल सकता है फर्स्ट मूवी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट मूवी में जहां से ये शैव गिर रहा होता है, इधर जमीन पे आके गिरता है, पहले गाड़ी से टकराता है, फिर सड़क पे आके गिरता है, एग्जैक्ट वहीं से सेकंड मूवी की स्टार्ट होती है। भैया एक गाड़ी आती है, इस पे जो इस सड़क पे पड़ा हुआ होता है, इस इंसान को कोई इंसान चक के लेके चला जाता है। और अब यहां पर फर्स्ट मूवी में तो भैया इसको जहर दिया गया था, चाइनीज जहर, मतलब उसको तो नाम से पता चल जाता ना, उससे कोई इंसान नहीं मरता, तो चाइनीज जहर जो दिया गया था इससे ये मरता नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड मूवी में इसको मारने की कसर पूरी कर दी गई है, इस बार इसका दिल निकाल कर किसी और के दिल, किसी और के शरीर में डाल दिया जाता है, और इसको एक आर्टिफिशियल दिल लगा दिया जाता है ताकि भैया ये थोड़ी देर जिंदा रह सके। और उस आर्टिफिशियल दिल को चलाने के लिए इसको बिजली के झटके जरूरत होते हैं, बट हाँ थोड़ी देर बाद इसको 5 या 10 मिनट के बाद अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, मतलब कतई बैटरी हो गया है ये। बेसिकली सेकंड मूवी के अंदर अब यही कहानी दिखाई गई कि अब ये इंसान अपना दिल वापस कैसे लाएगा, मतलब पहले में जहर से नहीं मरा, इस बार इसका दिल निकाल लो, कमबख्त को मार के ही छोड़ना है। लेकिन भैया ये मतलब वापस जब आता है, इसका भले ही दिल निकाल लिया, इसने दूसरों की बैंड बजा डाली अपना दिल वापस लेने के लिए, और ये अपना दिल वापस कैसे लेता है या मरता है, तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, आपको शायद पता चल जाएगा यार ये इंसान नहीं मरने वाला है या मरने वाला है, खैर इसका जवाब आपको जब मूवी देखोगे तभी पता चलेगा, यहाँ सब कुछ नहीं बताने वाला मैं। अब बात करेंगे मूवी में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छाई की बात करते हैं सबसे पहले, मतलब अच्छा अच्छा आना चाहिए, बुराई की बाद में चर्चा करेंगे। तो अच्छे में भाई जैसे कि हमें देखने को मिलता है, ये इंसान जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, भले ही इसको कुछ भी करना पड़े, पब्लिक के बीच में कुछ भी कर सकता है ये इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए घर्षण कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट मूवी में हमें देखने को मिलता है कि भैया ये इंसान शुरू से लेकर आखिर तक बस भागता ही रहता है अपने आप को बचाने के लिए। सेकंड मूवी के अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए हर तरीके से अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हुआ हमें दिखता है। तो यहां पर थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है इस मूवी का कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें फीलिंग आने लगती है फर्स्ट मूवी की। स्टार्टिंग में कम से कम 10 या 15 मिनट तक तो मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी हमें इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट मूवी के अंदर देखा था रिपीटेड होता हुआ हमें दिखता है, वही सेम चीज़ें हमें सामने आ रही होती हैं। हाँ, फर्स्ट मूवी के अंदर जहर दिया गया था, इस मूवी के अंदर इसके अंदर मतलब दिल बदल दिया गया, आर्टिफिशियल दिल लगा दिया गया, वहां पर उसको हर 5 या 10 मिनट के बाद उसको रिचार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, देखा जाए तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें की जा सकती थी, इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। ये जब आप मूवी देखोगे तब आपको फील हो जाएगा, कॉमेडी इसके अंदर रखी गई है, दोनों मूवी के अंदर अच्छी खासी कॉमेडी है। सेकंड मूवी के अंदर बस मुझे यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फीकापन लगा कि आपको पिछली मूवी का टच इसके अंदर नहीं देना था, वो अलग था हमने देख लिया, लेकिन सेकंड मूवी के अंदर भी फिर से वही रिपीटेड चीजें दिखती हैं तो थोड़ा बुरा लगता है ना यार। और दूसरी चीज मुझे इसके अंदर खराब लगी वो थी इसके अंदर हिंदी डबिंग जो की गई थी, वो हिंदी डबिंग इतनी ज्यादा खराब थी या वॉइस मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, कुछ भी बेढंगे डायलॉग थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको इंग्लिश वर्जन में ही देखें, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर एडल्ट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, सीन भी हैं एडल्ट सीन भी हैं, मतलब पहली मूवी से ज़्यादा भी इस मूवी के अंदर रखे गए। तो बेस्ट यही रहेगा कि भाई ये आप अकेले ही देखें, बच्चों या फैमिली के साथ देखने वाले तो ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10। और जिन्होंने नहीं देखी है, अगर आपने कोई अलग टाइप का जॉनर देखना है, एक ब्लैक कॉमेडी टाइप की देखनी है, तो यह मूवी शायद आपको पसंद आ सकती है। इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको पसंद आएगा, सेकंड पार्ट भी शायद आपको अच्छा लग सकता है, वन टाइम इसको कंसिडर कर सकते हो। बेशक आप जानना चाहोगे कि हाँ अब ये मरा या नहीं मरा, इसके बाद की आगे की कहानी क्या जाती है, तो ये थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहती है, जैसे मेरे अंदर थी, मतलब ठीक है ना, इतना बहुत है काफी बताने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।